नमस्कार, मैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट हाजीपुर बिहार, NIOS के D.El.Ed कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस चर्चा में हम भारत की भाषाई विविधता, जो पाठ्यक्रम 503 ब्लॉक 1 इकाई 1 से संबद्ध है, पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निरंजन सहाय जी। नमस्कार। आप काशी विद्यापीठ में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और हिंदी भाषा, साहित्य और शिक्षा पर समान रूप से अधिकार रखते हैं। देश की विभिन्न बड़ी समितियों के साथ आपको काम करने का अवसर मिला है, विशेष करके भाषा और शिक्षा को लेकर जो भी विमर्श चल रहे हैं देश में, आप उसके अहम हिस्सा हैं। तो आज की इस चर्चा में हम एक बार फिर से आप सब की ओर से प्रोफेसर निरंजन सहाय जी का स्वागत करते हुए आज के विषय की ओर चलते हैं। हमारा आज का विषय है भारत की भाषाई विविधता। भारत, जिसे विविधताओं का देश कहा जाता है, चाहे भाषा हो या संस्कृति और लघु संस्कृतियाँ हों, तो यह जो रंग है भारत के नक्शे का, जिसमें कई रंग भरे हुए हैं और इसीलिए यह सतरंगा देश है अपना, भाषाओं के नज़रिए से भी यदि देखें तो इस देश में अब तो धीरे धीरे भाषाओं की संख्या कम होती जा रही है, हालांकि यह चिंता की बात है। आज की इस चर्चा में हम यह जानने की कोशिश करेंगे आपसे निरंजन जी, कि जो भारत का भाषाई परिदृश्य है वो क्या है, और साथ ही साथ हम इस चर्चा में इस पर अवश्य ही बात करना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि कई तरह की विसंगतियां हैं बहुभाषिकता को लेके, और समझ के स्तर पर भी कई तरह की बातें चलती रहती हैं, विशेष करके प्रारंभिक शिक्षा के को यदि हम ध्यान में रखें तो। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि बहुभाषिकता हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए शक्ति है या कमजोरी। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बात की शुरुआत पहले भारत के उस बहुभाषिक परिदृश्य पर के साथ करें, और आगे फिर धीरे धीरे हम इन बिंदुओं पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत, और भारत की भाषाई विविधता में बहुभाषिकता के परिदृश्य को हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी। बहुत ही रोचक है भारत। हिंदुस्तान के नक्शे को ध्यान से देखिए तो अनेक भाषाएं विभिन्न हिस्सों में बोली बरती जाने वाली दृश्य का अवलोकन आप कर सकते हैं। जी, 5 भाषा परिवार की भाषाएं बरती जाती हैं भारत में। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है। जिस इलाके में हम लोग रहते हैं जी, वहां पर भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली बरती जाती हैं। हिंदी उसका हिस्सा है। उसी तरह से हिंदुस्तान के नक्शे को ध्यान से देखें तो जो हमारा पूर्वोत्तर है जी, जिसे भारत का ताज कहते हैं, तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर तिब्बती चीनी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर के राज्य मतलब जिसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ये सब शामिल हैं, त्रिपुरा जी, 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते जी जी, 7 बहनों का जो प्रदेश है जी। तो वहाँ तिब्बती चीनी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं जी। और भारत के दक्षिणी भाग में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं जी, जिसमें तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं को रख सकते हैं जी। उसी तरह से अंडमान को देखिए तो वहाँ अंडमानी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अच्छा, यह अलग भाषा परिवार है जी, अंडमानी जी। उसी तरह से भारत का जो दिल है जिसे रामायण में दंडकारण्य कहा गया है, घने जंगलों वाला इलाका जी, तो उस इलाके में जो आदिवासी हमारे भारत के हिंदुस्तान के नागरिक रहते हैं वे लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वे मुंडा ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं हैं। अच्छा, मुंडा ऑस्ट्रिक जी। तो इतने भाषा परिवार की भाषाएं जिस देश में बरती जा रही हों, वहाँ स्वभावतः इस नतीजे पर बहुत आराम से पहुंचा जा सकता है कि भारत बहुभाषिक देश है। बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल। के किसी भी देश में ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। यानी भारतीय समाज स्वभावतः बहुभाषिक है। पूरे भारत में घरेलू, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन की विभिन्न छवियों में बहुभाषी प्रकृति का आसानी से एहसास होता है। जिस देश में, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि 5 भाषा परिवारों, भारूपीय, द्रविड़, इंडो ऑस्ट्रिक, तिब्बती चीनी, अंडमानी भाषा परिवार की भाषाएं बरती जाती हो, वहाँ बहुभाषी स्थितियों की मौजूदगी नितांत स्वाभाविक है।
इस मुद्दे को थोड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है ज्ञानदेव जी। जी जी, यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत महज इसलिए बहुभाषी देश है कि भारतीय संविधान ने हिंदी अंग्रेजी समेत 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को वैधानिक दर्जा दिया है। दरअसल बहुभाषिक परिदृश्य से जुड़े अनेक दृश्य हैं। उदाहरण के लिए, जिस भाषा की अपनी कोई लिपि न हो या जिसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी विरासत न हो, तब भी उस भाषा का भारत के बहुभाषिक परिदृश्य में बड़ा योगदान है। आप याद कीजिए 1971 की जनगणना रिपोर्ट, उसके अनुसार भारत में केवल 20-22 भाषाएं ही नहीं बल्कि 1632 भाषाएं हैं। बिल्कुल। और आपको पता ही होगा कि 1971 की जनगणना के बाद केवल 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की जनगणना रिपोर्ट ही दर्ज की जाने लगी है। जी जी। इस तरह एक और बात उल्लेखनीय है कि कुछ लोग भारत को बहुभाषी देश इसलिए भी मानते हैं कि हमारे यहाँ टेलीविज़न, अखबार, रेडियो, दफ्तर, शिक्षा, कचहरी, अदालत जिसे कहते हैं, आदि का कामकाज एक साथ अनेक भाषाओं में होता है। यानी बहुभाषिकता के बहुविध संदर्भ हैं। बहुभाषी होना हमें एक दूसरे से जुड़ने ही नहीं उन्हें समझने में भी सहायक होता है। यानी बहुभाषिकता की यदि हमारी समझ हो तो हम केवल एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं। लोग बड़ी संख्या में पलायन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कभी रोजगार के लिए, कभी शिक्षा के लिए, विभिन्न कामों के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, आवागमन करते हैं, तो इस आवागमन के चलते विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण, आर्थिक संरचना, सामाजिक संरचना आदि में अलग भाषा भाषी लोगों का योगदान भी हम सहज ही देख सकते हैं। जैसे बिहार से बहुत सारे मजदूर बंबई जाते हैं तो वहाँ की भाषा मराठी हुए बहुत आसानी से सीख लेते हैं। एक बहुत रोचक घटना हुई पिछले दिनों में, जब हैदराबाद गया था तब यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग वहाँ काम करने गए थे वे बहुत आसानी से तेलुगु में बातचीत कर रहे थे, जबकि उनके विद्यार्थी जीवन या उनका अतीत जो था उसमें तेलुगु भाषा की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन चूंकि वहाँ पर गए तो वो दो भाषाएं एक साथ बरत रहे थे, बल्कि तीन कह लीजिए। एक वह भाषा जो उनके घर की थी, जैसे मैथिली या अवधी या ब्रजभाषा या भोजपुरी, इस तरह की भाषाएं बोल रहे थे, और बाहर निकलकर वो दक्षिणी हिंदी से मिलती जुलती हिंदी बोल रहे थे। बिल्कुल। और स्थानीय दुकानदारों से या लोगों से बातचीत करने के लिए वो तेलुगु का भी प्रयोग कर रहे थे। तो इस तरह के बहुभाषिक परिदृश्य बहुत आसानी से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारा हिंदुस्तान है इसका शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जो बहुभाषिकता के दायरे में ना आता हो। जी जी। जिसे हम एक भाषिक कह सकें सीधे सीधे, ऐसे क्षेत्र कम है। नहीं है, लगभग नहीं, लगभग नहीं है। जी 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 जी। हमारे देश में अनेक भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हैं। 2001 की जनगणना रिपोर्ट देखिए, भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 भाषा परिवारों की 234 मातृभाषाएं, 100 वर्गीकृत भाषाएं और 10 लिपियां हैं। ऐसे बहुभाषी देश में निश्चित तौर पर भाषा का सवाल बेहद अहम और उलझा हुआ है। जाहिर है बहुभाषिकता को जब हम ज्ञानार्जन के एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखते हैं तब हमें अनेक विशेषताओं को भी समझना होगा। किसी एक भाषा के भीतर भी बहुत विविधताएं मिल जाती हैं। जी जी। जैसे हिंदी के विविध रूप हैं। जी जी। अभी हम हिंदी पर यदि अपनी चर्चा को केंद्रित करें तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी के भी विविध रूप हैं। जी जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे निरंजन जी कि हिंदी के ये विविध रूप कौन कौन से जी हैं। बहुत मौजूद सवाल है। हिंदी जो हम लोग बोलते बरतते हैं, मानक हिंदी जिसे हम कहते हैं, वह तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो हिंदी जन लोगों के द्वारा जन भाषा के रूप में व्यवहार में लाई जाती है उसमें भी अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। तो मोटे तौर पर यदि हम जो जन भाषा की हिंदी है या मानक हिंदी है, इन दोनों को मिलाकर देखें तो हिंदी के का बहुरूप रूप हमको दिखाई पड़ता है, बहुत सारे रूप, जैसे संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, राजभाषा के रूप में उसका प्रयोग होता है जिसमें विभिन्न सरकारें या विभिन्न कार्यालय आपस में बातचीत करते हैं, प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में
यानी जो रोजगार के नए साधन हैं वहाँ पर प्रयोजनों को हल करने के लिए प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। शिक्षाएं हिंदी का एक अलग स्वरूप है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी उसकी पहुंच बन चुकी है। ज्ञान की भाषा के रूप में उसकी इज्जत है, वाणिज्य व्यवसाय की भाषा के रूप में उसका सम्मान होता है। देखिए, अब जितने बहुराष्ट्रीय घराने हैं वे सब यदि भारत में काम करना चाहते हैं अपने उत्पादों को के सिलसिले में, तो उन्हें हिंदी में ही अपनी सारी बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि हिंदी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उन्हें अपनी, जैसे पिछले वर्षों में स्टार चैनल ने अपने आंतरिक कर्मचारियों को यह निर्देश दिया था कि वे हिंदी सीखें, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारत में यदि कोई काम करना है तो हिंदी सीखना पड़ेगा। तो ये हिंदी के अनेक रूप आपको दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह से जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं जो हिंदी प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, उनसे सटा हुआ जो इलाका है वहाँ भी अलग अलग तरह की हिंदी दिखाई पड़ती है। जी जी, जैसे इसको समझिए, जैसे गुजराती के संपर्क में हिंदी का रूप अलग ढंग से निखरता है। यदि आप उदयपुर से अहमदाबाद की तरफ बढ़ें तो वहाँ जो हिंदी दिखाई पड़ती है उसमें गुजराती का प्रभाव नज़र आता है। दूसरी तरफ यदि आप बिहार से बंगाल की तरफ बढ़ें तो वहाँ या असम की तरफ बढ़ें या उड़ीसा की तरफ बढ़ें तो बांग्ला, असमिया, उड़िया के संपर्क में विकसित होने वाली हिंदी का स्वरूप अलग है। वो उसका कोई मेल नहीं है। ये यदि आप गुजराती प्रभाव के की हिंदी और इधर की हिंदी यानी बांग्ला, असमिया, उड़िया के की हिंदी का तुलनात्मक अध्ययन करें तो उनमें बहुत फ़र्क है। मतलब ये है कि ये जो भाषाएं हैं जी, ये हिंदी को प्रभावित कर रही हैं या हिंदी इनको प्रभावित कर रही है? दोनों, ये आवागमन का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जी जी, पंजाबी, डोगरी जैसी पश्चिमोत्तर भाषाएं हैं उनके संपर्क में हिंदी का एक अलग रूप दिखाई पड़ता है। उसी तरह भी जो मैं चर्चा कर रहा था, द्रविड़ भाषाओं जैसे तेलुगु के संपर्क की हिंदी और सुदूर पश्चिम की मराठी, कोंकणी के संपर्क की हिंदी का रूप अलग अलग तरह की सुंदरता धारण किए हुए है। कुल मिलाकर हिंदी के मोटे तौर पर 4 या 5 रूप ऐसे हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क से वजूद में आए हैं। अब जब हिंदी साहित्य को यदि आप पढ़िए तब उसमें भी ये विविधता दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद की हिंदी और अज्ञेय की हिंदी, दोनों में फर्क दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो अतीत है, विद्यार्थी जीवन जो है, रचनाकार का जो अतीत जी, है जी, जी। उस भाषा का प्रभाव पड़ता है उसकी भाषा पर। उसी तरह अमृता प्रीतम की जो रचनाएं हैं, और इधर जब आप फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाएं या दिनकर की रचनाएं, उसमें आपको फर्क दिखाई पड़ता है। ये असल में हिंदी के जो विविध रूप हैं उसका असर है। अब आप सोचिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम कितनी भाषाओं में बात कर सकते हैं जी। हम लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बरतते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, कई बार बांग्ला भी जानते हैं, जैसी भाषाओं में अनेक अपने भाव प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनमें आराम से भोजपुरी के शब्द, मैथिली के शब्द, मगही के शब्द, वज्जिका के शब्द, पंजाबी के शब्द, मराठी के शब्द। वो मशहूर गाना है जिसमें अंग्रेजी में बोले तो उसमें अनेक भाषाएं दिखाई पड़ती हैं। यानी बिना विश्लेषण किए या बिना बहुत गहरा ज्ञान के हम लोग यह समझ सकते हैं कि हम सभी बहुभाषी हैं, और बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत है। अच्छा, मतलब बहुभाषिकता जो है वो हमारी कमजोरी नहीं है जी, हमारी जी। ताकत है। इस ताकत का कोई शिक्षा शास्त्रीय उपयोग भी है क्या? जी, पहले तो हम हमें इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा जी कि एक दूसरे के समीप जब भाषाएं आती हैं तो वे भाषाएं बिखरती नहीं हैं। वे भाषाएं एक दूसरे से संभल पाती हैं। एक दूसरे की जो जीवन शक्तियां हैं, कोई भी भाषा अपनी जीवंत स्मृतियों का वहन करती है। और जब उस जीवंत स्मृति के साथ एक दूसरी जीवंत स्मृति आमने सामने आती है तो दोनों स्मृतियां आपस में मिलकर एक खूबसूरत स्मृति का निर्माण करती है। तो पहले तो हमें इस सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा कि बहुभाषिकता हमारी कमजोरी है या बहुभाषिकता के चलते भाषाएं खिचड़ी बन जाती हैं। खिचड़ी होना पतन नहीं है बलकि इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह अनेक भाषाओं के सहयोग से खूबसूरत बनना है। जी जी, और
इस ताकत का बेहतर शिक्षण शास्त्रीय उपयोग संभव है। आप जानते ही, हम लोग समझते हैं कि ज्ञान की पारंपरिक समझ के मुताबिक भाषा के दो ही वर्ग हैं। एक वह जिसे अध्यापक अध्यापिका शुद्ध या मानक भाषा कहते हैं और जिनमें विभिन्न लेखन परंपराएं मौजूद रहती हैं, दूसरी वह जिन्हें प्रायः अशुद्ध भाषा कहने का प्रचलन है। सच्चाई तो यह है कि जिसे हम मानक भाषा कहते हैं उसके बारे में हमारी समझ एकदम सतही और पारंपरिक होती है। मानक भाषा के निर्माण में संस्कृत ही नहीं, अनेक जनपदीय, जिन्हें स्थानीय भाषाएं भी कहते हैं, अनेक जनपदीय भाषाओं के साथ ही अंग्रेजी, उर्दू या अन्य भाषाओं से भी शब्द लिए जाते हैं। अब और ये लेन देन की परंपरा बहुत पुरानी है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में एक भजन लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि रघुवर तुमको मेरी लाज, और उसमें वो गरीब निवास शब्द का भी प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि रघुवर तुमको मेरी लाज, तुम हो गरीब निवास। अच्छा, अनेक आपको चौपाई दोहे ऐसे मिल जाएंगे जी। अनेक उनके यहाँ कई बार तो एक ही खंड में पांच पांच बार गरीब निवास शब्द का प्रयोग है। तो यह लेन देन कोई नया नहीं है, पुराना है। जबकि तुलसीदास संस्कृत की ताकत से बनी हिंदी के बड़े विद्वान हैं। रामचरितमानस में जितने सोपान या कांड हैं उसकी शुरुआत ही वे संस्कृत श्लोकों से करते हैं। तो उनके पास ये पूरा अवसर था कि केवल संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखते, पर ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने उस समय की जो प्रचलित भाषाएं थी उस उन भाषाओं के भी जीवनी शक्ति के साथ अपनी कविता के वृत्त को बड़ा किया। इसलिए तुलसीदास हमारे जेहन में जिंदा है। कोई मंदिर न जाए तब भी तुलसी की कविता हमारे जीवन की ताकत के रूप में उभरती हुई दिखाई पड़ती है। तो संस्कृत तो है ही, जनपदीय भाषाएं हैं ही, अंग्रेजी, उर्दू, अन्य भाषाओं से भी शब्द हिंदी में लिए गए। हिंदी के शब्द संसार का सिरा केवल तत्सम ही नहीं, तद्भव, देशज, विदेशज से भी जुड़ा है। यानी शब्द के ये सभी रूप शुद्ध हैं। यानी अस्पताल हम कह रहे हैं तो यह शुद्ध है। यह इसकी आवश्यकता नहीं है कि कोई यह कहे कि नहीं, अस्पताल तो आप अशुद्ध बोल रहे हैं, हिंदी में बोलिए, चिकित्सालय बोलिए। जब शब्दों का विभाजन विदेशज नामक खंड के साथ है तब यह शब्द भी सही है। यानी शब्द के ये सभी रूप शुद्ध हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी आदि अनेक परंपराओं के दिग्गज साहित्यकारों की मौजूदगी रही है। आप बिहार से हैं, हम लोग याद करें मैट्रिक की बोर्ड परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में 1953 तक हिंदी की किताबें जो होती थीं गद्य पद्य संग्रह में, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाओं की रचनाएं भी शामिल रहती थी। बिल्कुल, बिल्कुल जी, एकदम। और ये पटना विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा थी जी। उसके बाद तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का गठन हो गया, लेकिन पता नहीं किन कारणों से आज यह चलन तो नहीं दिखाई देता जी। जी, रचनाएं भले ही ली जाती हैं लेकिन जिस तरह उस पाठ्यपुस्तक ने शीर्षक ही दिया था भोजपुरी कविता और मैथिली कविता का, अब ये चलन वहाँ भी नहीं है। लेकिन रचनाएं ली जाती हैं या आदान प्रदान का सिलसिला जारी है। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे हम ये याद कर सकते हैं कि भाषाओं के मामले में हम कितने उदार थे। जो भाषा हम लिखते हैं या बोलते हैं उसकी जड़ें विभिन्न समुदायों की अनेक भाषाओं की स्मृतियों का अंग है। ऐसे में भाषा के लचीलेपन और बहुरूपा स्वभाव को संवेदनशीलता से समझने जानने की ज़रूरत है। विभिन्न जातीय और सामुदायिक और सांस्कृतिक स्मृतियाँ भाषाओं के माध्यम से प्रकट होती हैं। कहना न होगा कक्षा में अध्यापन के सिलसिले में यही बहुभाषिकता की सचेत चेतना पाठ की अवधारणात्मक और संकल्पनात्मक समझ को सरलता और सुगमता से प्रकट करने में सहायक होती है। बहुभाषिकता का बेहतर शिक्षण शास्त्रीय उपयोग संभव है जी। हमारी भाषाई विविधता न तो कोई समस्या है न ही पिछड़ेपन की निशानी, यह भाषाई समृद्धि का प्रमाण है जिसका शिक्षा शास्त्रीय उपयोग संभव है। भारतीय भाषाई विविधता को और अधिक गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। हम जानते हैं कि एक ही भाव की अभिव्यक्ति अनेक भाषाओं में हो सकती है। जैसे इन वाक्यों को देखें, हिंदी में मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, भोजपुरी में
हमरा रसगुल्ला नीमन लागेला, मैथिली में हमरा रसगुल्ला नीक लगैत अछि, गुजराती में हूँ रसगुल्ला पसंद करू छू, अंगिका में हमरा रसगुल्ला ठीक लगै छै, राजस्थानी में मने रसगुल्लो हाउ लागे, कन्नड़ में ननगे रसगुल्ला बहाला इस्ता। यदि इन व्यक्तियों पर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि भले ही एक कथन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है लेकिन उनमें संरचनागत समानता झलकती है। अच्छा जी 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 हाँ, हो सकता है कि कुछ भारतीय भाषाओं में इतनी समानता न हो लेकिन असल बात यह है कि भाषाई विविधता अभिव्यक्ति की विविधता और सृजनात्मकता के द्वार खोलती है। आपने अपने आसपास और अपनी कक्षाओं में यह देखा होगा कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न भाषाओं का सहज प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। भाषा के क्षेत्र में किए गए शोध यह बताते हैं कि बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि से गहरा सकारात्मक रिश्ता है। इस बारे में NCERT के पाठ्यक्रम नहीं बल्कि जो हमारा आधार पत्र है NCERT ने भारतीय भाषाओं का शिक्षण शास्त्र, उसमें कहा है, उसमें विभिन्न शोधों के हवाले से कहा है कि कैसे भाषिक व्यवहार की विविधता बहुभाषिक समाजों में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही आधार पत्र हमें बताता है कि जो यह प्रदान तो करती ही है, संप्रेषण में हमारी सहायता करती ही है, और यह भी आगे कहता है कि जरूरत इस बात की है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे महसूस करने की सामर्थ्य हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था में इसको दबाने की जरूरत नहीं है बल्कि इनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। यानी हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को दबाने की बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमारे समाज की सबसे बड़ी खासियत बहुभाषिकतावाद से मिलते आ रहे फायदों को दबाने, कमज़ोर करने का काम किया। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत वाली स्थिति से बचना हो तो तत्काल हमारी शिक्षा व्यवस्था के योजनाकारों को शिक्षा में भाषा की उक्त खासियत की महत्ता को समझते हुए केंद्रीय स्थान देने की पहलकदमी करनी होगी। यह भारतीय भाषाओं पर आधारित आधार पत्र की मान्यता है। बहुभाषिकता के संदर्भ में हुए अध्ययनों ने यह साबित कर दिया कि जो बच्चे सीखने के दौरान एक से अधिक भाषाओं में कुशलता का विस्तार करते हैं उनमें सीखने की प्रक्रिया के साथ ही रचनात्मकता और सामाजिक सहिष्णुता जैसे गुणों का बेहतरीन विकास होता है। यानी अब आप देखिए कि एक दिल्ली की किसी कक्षा की कल्पना करिए, उसमें अनेक भाषा भाषी बच्चे बच्चियां स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब आती हैं। तो अब जब एक दूसरे की भाषा के करीब जाते हैं तो वे केवल बहुभाषिक दुनिया से ही रूबरू नहीं होते हैं बल्कि भाषा बरतने वाली उस संस्कृति से भी रूबरू होते हैं जो आपसे संवाद के दरमियान एक दूसरे के द्वारा बरती जा रही है। यानी बिहार के बच्चे को केरल के बच्चे, यानी एक भोजपुरी भाषी को मलयालम भाषी के करीब जाने का मौका मिलता है। तो ये संस्कृति का आदान प्रदान है, फलने फूलने वाली बात है। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक सहिष्णुता जैसे गुणों का बेहतरीन विकास होता है। दो भाषा बोलने वाले बच्चे और केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण, न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, साथ ही उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता के तत्व जिनकी। यहाँ आपको रोकते हुए एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है विशेष करके हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से, कि यदि एक बच्चा दूसरी भाषा के कुछ शब्द जानता है तो क्या हम उसे बहुभाषिक मानेंगे या नहीं। मान लीजिए कि मैं हिंदी भाषी हूँ और मैंने अंग्रेजी के कुछ शब्द जान लिए जिनका मैं उपयोग भी करता हूँ, जिसे आपने कहा कि हम उसे विदेशज की श्रेणी में रखकर उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कई बार शिक्षक ये समझते हैं कि हमारे बच्चों को किसी भाषा के कुछ शब्द आ गए तो ये बहुभाषिक हो गए। मुझे लगता है कि बहुभाषिकता सिर्फ कुछ अन्य भाषाओं के शब्दों को जान लेना है या उस भाषा के की जो संरचनाएं हैं, चाहे वो शब्द संरचना हो, वाक्य संरचना हो या संवाद संरचना हो,
इसे जानना आवश्यक होगा जी। हम कब कहेंगे कि एक व्यक्ति बहुभाषिक है जी, यह बार बार एक सवाल पूछा जाता है। मेरी मोटी समझ तो यही कहती है कि आप अन्य किसी दूसरी भाषा की संरचना को जब तक नहीं जानते, कुछ शब्दों को जान लेने से हम उसे बहुभाषिक मान सकते हैं या नहीं जी, आपकी जी, क्या राय है इस जी पर? बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप। केवल शब्दों को जानना बहुभाषिकता नहीं है, नहीं है, हमें उसके संरचनात्मक प्रयोग जी को भी जी, समझना पड़ेगा और उन संरचनाओं को, अभी कुछ उदाहरण जो दिए गए थे, भारतीय भाषाएं विभिन्न भाषा परिवारों की होने के बावजूद संरचनागत स्तर पर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और संरचना को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो शब्द के साथ साथ संरचना को भी यदि हम समझते हैं तो अधिगम में इससे सहायता मिलती है। कल्पना करिए कि कोई उत्तर प्रदेश का अध्यापक है और राजस्थान के किसी इलाके में पहुँचता है पढ़ाने के लिए, और वहाँ पर किसी विद्यार्थी से जब वो पूछता है कि भाई क्यों लेट हो गए, क्यों देर से आए हो यहाँ, तो कहता है कि बच्चे बच्चे कहते हैं कि मारे बस्ते में टिफिन था, ढूली गया। अब इसका यदि हिंदी मानक हिंदी में कहिए तो मेरे बस्ते में टिफिन था जो खुल कर गिर गया। तो उससे गीला हो गया बस्ता। तो संरचनागत जो विशेषता है भोजपुरी की, मेवाड़ी की और हिंदी की, वो आपस में मिलती जुलती है जी जी। यदि उस संरचनागत विशेषता को समझते हुए वह अध्यापक उसकी भाषा के करीब जाता है तो न सिर्फ उस विद्यार्थी की बात को समझने में उसे सहूलियत होगी, बल्कि उसने अपने विद्यार्थी जीवन में, यानी उस अध्यापक ने अपने विद्यार्थी जीवन में जो हासिल किया है उसे बेहतर ढंग से विद्यार्थियों तक पहुँचाने में भी सहूलियत हो सकती है। भाषिक खजाने की व्यापक व्यवस्था पर नियंत्रण उन्हें विविध प्रकार की एवं विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक जूझने में भी सहायक होती है। साथ ही इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि बहुभाषी बच्चे विविध सोच में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं जी। तो हम लोगों ने यह खूब अच्छी तरह से देखा कि भारत की बहुभाषिकता जहाँ एक ओर भाषाई समृद्धि की ओर संकेत करती है, वहीं दूसरी ओर वह भाषाओं के विकास के लिए सचेत प्रयासों की ओर भी इशारा करती है। इसके लिए शिक्षकों शिक्षिकाओं की बड़े पैमाने पर तैयारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाषा का जीवन के हरेक क्षेत्र में प्रयोग केवल भाषा शिक्षक ही नहीं करता बल्कि पूरा विद्यालय तथा समाज करता है, और उसे सिखलाने की जिम्मेदारी अध्यापक अध्यापिका की होती है। यानी ज्ञानदेव जी, सबसे पहले इस बात को हमारे मन से निकाल देना पड़ेगा कि भारत में मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि मोटे तौर पर यही कि भारत में कोई एक भाषा नहीं, अनेक भाषाएं हैं, विभिन्न भाषा परिवारों की भाषाएं हैं। अनूठा है भारत जहां 5 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और हर भारतीय स्वभावतः बहुभाषिक है, वो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बहुत आसानी से करता है। और शिक्षक शिक्षिका जब कक्षा में दाखिल होता है या होती हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन भाषाई स्मृतियों के साथ बच्चा या बच्ची खास करके प्राथमिक कक्षाओं में आया है या आई है उसकी भाषाई संपदा का वो सम्मान करना सीखे, और जो दूसरी भाषा है यानी बहुभाषिक जो परिदृश्य है उसका अधिगम में सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करे, उसको बाधा न बनाए। बिल्कुल, यानी वो ऐसा न कहे कि तुम अशुद्ध बोल रही हो या बोल रहे हो, उस बैरियर को उसे तोड़ना पड़ेगा, उस बाधा को उसे तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर अंतिम बात यह मैं कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब यह नहीं है कि व्याकरण के नियमों की अनदेखी की जाए, बात इतनी है कि शिक्षक या शिक्षिका को इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भाषा में बच्चे या बच्ची अपनी बात कह रहा है या कह रही है उस भावना को वो कक्षा में तरजीह दे और उसको मानक भाषा तक पहुँचने में सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल, मतलब पहले उसे बोलने की अनुमति मिले। हाँ, उसे ये कह के चुप रहना न सिखाया जाए कि जो तुम बोल रहे हो जी यह बोलने लायक नहीं है जी, बल्कि ये कहा जाए कि जो तुम बोल रहे हो जी वह बोला जा सकता है, उसका कक्षाओं में सम्मान है, और इस बोलने के साथ साथ अन्य भाषाएं भी सीखी जा सकती हैं जी जी। बिल्कुल ठीक बात आपने बहुत ही विस्तार से हमारे प्रशिक्षुओं को भारत के बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में बताया,
और साथ ही साथ यह भी हम जान पाए कि किस तरह बहुभाषिकता हमारी शक्ति है, हमारी कमजोरी नहीं है, विशेष करके प्रारंभिक कक्षाओं में। इसके लिए एक शिक्षक को थोड़े सजग रहने की आवश्यकता है, सजग भी रहने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने उन पात्रों के बारे में यानी कक्षा में उपस्थित बच्चों की बहुभाषिकता को समझ सकें। जी, तो यह तो आप सब शिक्षक शिक्षिकाओं पर निर्भर करता है कि आप किस तरह अपनी कक्षा के बहुभाषिक स्वरूप को समझते हैं। बिहार ने, एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, बिहार ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया। जी जी, वहाँ जो राज्य शैक्षिक संस्थान है, जी जी, उसने अंगिका वज्जिका और स्थानीय भाषाएं जो वहाँ की हैं, पांच मुख्य, जी, अंगिका वज्जिका मैथिली भोजपुरी मगही में, उनमें अनेक जो शब्द थे जी जी, उनका हिंदी प्रतिरूप प्रस्तुत किया। जी जी, यानी हिंदी के करीब आए वे भाषाएं और हिंदी भी उनके करीब जाए जिन भाषाओं को बरतने के लिए उनके सामने विद्यार्थी हैं। इस मामले में एससीईआरटी ने बढ़िया काम किया। जी जी जी, तो आपका अपने दर्शकों की ओर से, अपने प्रशिक्षुओं की ओर से, एनआईओएस की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सबका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।